रघुवंश के राजा ने गर्भ धारण कर दिया था पुत्र को जन्म। आज हम आपको श्री राम के पूर्वज राजा युवनाश की कहानी बताएंगे, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म दिया था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट राजा मांधाता के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा युवनाश की कहानी रामायण के बालकांड के अंतर्गत गुरु वशिष्ठ द्वारा भगवान राम के कुल रघुवंश का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र थे विवस्वान, विवस्वान के पुत्र थे वैवस्वतमनु, जिनके 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया। इसी वंश में राजा युवनाश का जन्म हुआ, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। वंश की उन्नति और पुत्र की प्राप्ति की कामना लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा युवनाश के लिए इष्ट यज्ञ करना आरंभ किया ताकि राजा की संतान जन्म ले। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी को करना था ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा युवनाश की संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी जन थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवनाश की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी थी। युवनाश ने पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन थकान की वजह से, गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा युवनाश को वह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। इस बात से बेखबर कि वह जल किस उद्देश्य के लिए है, राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि उनकी संतान अब उन्हीं के गर्भ से जन्म लेगी। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया तब दैवीय चिकित्सकों अश्वनी कुमारों ने राजा युवनाश की कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए माँ की कमी पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी अंगुली शिशु के मुंह में डाली जिसमें से दूध निकल रहा था और कहा, मम धाता अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से उस शिशु का नाम मम धाता या मान धाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। कहते हैं राजा मानधाता से सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के राज्यों पर धर्मानुकाल शासन किया था। इतना ही नहीं, राजा मानधाता ने 100 अश्वमेघ और 100 राजसी यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान दे दिए थे। लंबे समय तक धर्मानुकूल रहकर शासन करने के बाद राजा मानधाता ने विष्णु के दर्शन करने के लिए वन जाकर तप करने का निर्णय किया
और विष्णु के दर्शन कर लेने के बाद वन में ही अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।